जो अपने लक्ष्यों को निर्धारित नहीं कर सकता, वह कभी जीत नहीं सकता। मनुष्य अकेला पैदा होता है और अकेले ही मरता है, और वह अपने कर्मों के अच्छे और बुरे परिणामों को अकेले ही भोगता है, और वह अकेले ही नरक या परधाम में जाता है। कभी भी ऐसे लोगों से दोस्ती न करें जो आपसे ऊपर या नीचे स्थिति में हो। ऐसी दोस्ती आपको कभी कोई खुशी नहीं देगी। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति एक महिला की सुंदरता और यौवन है। हर दोस्ती के पीछे कोई न कोई स्वार्थ होता है। स्वार्थ के बिना दोस्ती नहीं होती, यह एक कड़वा सच है। अपमान करके इस जीवन की रक्षा करने से मरना अच्छा है। जीवन की हानि तो एक पल के लिए दुख देती है, लेकिन अपमान जीवन में हर दिन दुख लाता है। एक शक्तिशाली दिमाग को कोई नहीं हरा सकता। सांप भले ही जहरीला ना हो, उसे जहरीले होने का दिखावा करना चाहिए। धन, मित्र, पत्नी और राज्य फिर से मिल सकते हैं, परंतु यह शरीर खो जाने पर फिर कभी प्राप्त नहीं होगा। जैसे एक मुरझाया हुआ वृक्ष जलकर सारे जंगल को जला देता है, वैसे ही एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। एक अशिक्षित व्यक्ति का जीवन कुत्ते की पूंछ के समान बेकार है, जो न तो अपने पिछले सिरे को ढकता है और न ही कीड़ों को काटने से बचाता है। सांप, राजा, चीता, डंक मारने वाला ततैया, छोटा बच्चा और लोगों का कुत्ता और मूर्ख, इन सातों को नींद से नहीं जगाना चाहिए। इस विचार को छोड़ दो कि प्रेम और मोह एक चीज है, वे शत्रु हैं। यह अशक्ति ही है जो सभी प्रेम को नष्ट कर देती है। सांप के नुकीले और मक्खी के मुंह और बिच्छू के डंक में विष होता है, परंतु दुष्ट उससे तृप्त होता है। हमें अतीत की परवाह नहीं करनी चाहिए और न ही भविष्य की चिंता करनी चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में काम करते हैं। फूलों की सुगंध केवल हवा की दिशा में फैलती है, लेकिन व्यक्ति की अच्छाई सभी दिशाओं में फैलती है। भगवान मूर्तियों में मौजूद नहीं है, आपकी भावनाएं आपका भगवान है, आत्मा आपका मंदिर है। हर पड़ोसी राज्य दुश्मन है और दुश्मन का दुश्मन दोस्त है। जैसे ही भय निकट आता है, उस पर आक्रमण करो और उसे नष्ट कर दो। शिक्षा सबसे अच्छी दोस्त है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सुंदरता और युवाओं को हरा देती है। पुस्तकें मूर्ख व्यक्ति के लिए उसी प्रकार उपयोगी होती हैं जैसे दर्पण अंधे व्यक्ति के लिए
उपयोगी होता है। मनुष्य जन्म से नहीं अपने कर्मों से महान होता है। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने रहस्य किसी के साथ साझा ना करें, यह आपको नष्ट कर देगा। पुरुष की तुलना में स्त्री को दुगनी भूख, 4 गुना अधिक शर्म, 6 गुना अधिक साहस और 8 गुना अधिक सेक्स की इच्छा होती है। कभी भी अपने के अलावा किसी और महिला के साथ सेक्स ना करें। स्त्री के प्रेम में पड़ जाने पर मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। मासिक धर्म की अवधि के दौरान एक पुरुष को अपनी पत्नी के साथ सेक्स नहीं करना चाहिए। इस अवधि के दौरान मैथुन में लिप्त होने से उसके जीवन की अवधि कम हो जाएगी। दोस्तों, अगर ये सारे कोड्स चाणक्य के आपको अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही कोड्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।